नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। हे भगवान, अब क्या होने वाला है। भारत में फिर आया भूकंप। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज भूकंप के झटके लगे हैं। इसके अलावा आज मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी भूकंप आया है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3 मापी गई है। भूकंप के कारण कोई जनहानि या घरों को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों लोग घबराए हुए हैं। भूकंप का केंद्र पुली चित्तला जलाशय के करीब था। भयंकर तबाही मच रही है, लोग घबराए हुए हैं। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के चितलपलेम और मेला चेरू मंडल के कई गांव में सुबह करीब 7:25 पर तेज भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। 10 सेकंड तक दोस्तों धरती हिलती रही है। दोस्तों लोग अपने अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हैं। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में पुली चित्तला परियोजना के आसपास के गांव में तेज भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। भारत में कुदरत का कहर जारी है, लगातार भूकंप आ रहा है। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर भी भूकंप आया है। मध्य प्रदेश के इंदौर के आसपास के इलाकों में भूकंप धार अलीराजपुर तक दोस्तों ये झटके महसूस हुए हैं, जिसके बाद दोस्तों लोग अपने अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी भूकंप आया है। इस समय क्या हो रहा है, पृथ्वी पर उथल पुथल मच रही है, लगातार भूकंप आ रहा है। जबकि तुर्की और सीरिया के अंदर 47,000 से ज्यादा लोगों की मौत भूकंप के कारण हो गई है और भारत के अंदर लगातार भूकंप आ रहा है।